बॉम्बे सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए 4 स्लाइसेस ऑफ व्हाइट ब्रेड, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, सम बटर, चीज, यहाँ पर मैंने लिया है चाट मसाला, आपके पास अगर सैंडविच मसाला हो तो आप वो लीजिए। सब्जियों में हमें चाहिए अनियंस, क्यूकम्बर, टमेटोज, बॉइल्ड पोटेटो, कैप्सिकम और बीटरूट। अगर आप बीटरूट और कैप्सिकम अवॉइड करना चाहें तो बिल्कुल भी चलेगा, बट अदर 4 आर रिक्वायर्ड। और सैंडविच की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने लिया है ये हरा धनिया, साथ ही में बूंदी, सम लेमन जूस, शक्कर, गार्लिक क्लव्स एंड जीरा, रॉक सॉल्ट एंड सम ग्रीन चिलीज। सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को पानी के साथ ब्लेंड कर लेंगे। सबसे पहले मैं मिला रही हूँ ये कोरिएंडर इन द ब्लेंडिंग जार, इसके बाद ये बूंदी, ये खारी बूंदी है, इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है चटनी का। साथ ही में ये लेमन जूस, सम शुगर, शुगर ऑप्शनल है आप अवॉइड कर सकते हैं, इसी के साथ ये रॉक सॉल्ट, जीरा और गार्लिक और हरी मिर्ची एज पर टेस्ट। साथ ही में जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा पानी एंड वील ब्लेंड दिस। चटनी को चेक कर लेते हैं, परफेक्ट चटनी बन गई है। अब मैं इसे कटोरी में निकाल लेती हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी ये जो चटनी है इसका टेक्सचर कितना पेस्ट जैसा फाइन बन गया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द बूंदी। तो ये बूंदी वाली जो टिप है ना, ये मुझे दी थी सूजी आंटी ने, जो कि हमारे एक यू नो क्लोज फैमिली मेम्बर है। तो थैंक यू सो मच आंटी, इट्स अ ग्रेट टिप, जब से आपने मुझे बताया है आई हैव बीन यूजिंग दिस। अगर आपके पास बूंदी नहीं है तो आप यही सेम चटनी के लिए, मतलब इफ़ेक्ट आने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आलू भुजिया या फिर सेव, कोई भी टाइप की सेव। तो लीजिए, हमारी लवली सैंडविच चटनी इज रेडी। अब हम सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड स्लाइस ले ली है, इसके ऊपर मैं लगाने जा रही हूँ सबसे पहले बटर, इसके बाद हम लगाएंगे ये चटनी, अब मैं सारी सब्जियां अरेंज कर लूंगी सैंडविच के ऊपर। सबसे पहले ये बॉइल्ड आलू, इसके बाद सम टमाटर। अब मैं क्या करूंगी, इसके बीच बीच में ना ये चाट मसाला स्प्रिंकल करूंगी, देन गोज अनियन, देन क्यूकम्बर, अगेन आई विल स्प्रिंकल दिस मसाला। इसी के साथ आई एम गोइंग टू प्लेस दीज कैप्सिकम रिंग्स एंड सम बीटरूट, अगेन वील स्प्रिंकल द मसाला। वाव, मैं और 2 छोटे आलू के स्लाइसेस इसके ऊपर डाल रही हूँ एंड सम चाट मसाला फाइनली, जिसके बाद हम इस सैंडविच को कवर कर लेंगे लाइक दिस। अब मैं ये सैंडविच के ऊपर वाले लेयर पर बटर लगा रही हूँ। अब मैंने एक तरफ पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है और फिर हम इसे पैन के ऊपर प्लेस कर देंगे। चलिए, दिस वन इज रेडी टू गो इन द पैन एंड 3। इसे करीबन 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे एंड देन वील टर्न द साइड। अब मैं सैंडविच के दूसरी तरफ बटर लगा लूंगी, तो अब मैं इसे फ्लिप कर रही हूँ, अबाउट 1 मिनट हुआ है, गैस फ्लेम धीमे ही रखना है। चलो फ्लिप करके देखते हैं, ओके लवली। अब ये दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा पक जाए। अब मैंने गैस फ्लेम को ऑफ कर दिया है, आप चाहे तो तवे के अलावा टोस्टर में भी इसको टोस्ट कर सकते हैं, बट ये मेथड से फटाफट सैंडविच बन जाता है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। वाओ, अब मैं सैंडविच के ऊपर बटर लगा रही हूँ, साथ ही में ये हमारी सैंडविच चटनी,
अब हमारा सैंडविच रेडी है, इसे मैं कट करके प्लेट कर लेती हूँ। तो बॉम्बे सैंडविच बनके रेडी है, मैंने इसका प्लेटिंग भी कर लिया है। अब मेरे पास ये थोड़ी सी आलू भुजिया सेव है तो मैं इसके ऊपर गार्निश करने वाली हूँ। अगर आपके पास बारीक सेव है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इससे एक बहुत अच्छा क्रंच आएगा सैंडविच के अंदर व्हेन यू टेक अ बाइट। सो बॉम्बे सैंडविच इज रेडी। तो अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब टू डिजिटल शुगर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हिट द बेल आइकन। अंटिल नेक्स्ट टाइम।